बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पिछले दो दिनों से एक शख्स सुर्खियों में है, उसका नाम है राहुल बजाज। राहुल बजाज कौन है और क्यों सुर्खियों में है, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे, पर पहले हम ये बता देते हैं कि राहुल बजाज हैं कौन। राहुल बजाज देश के जाने माने व्यवसायी हैं। आप देखते होंगे कि बजाज का स्कूटर आप बहुत ज़्यादा संख्या में देखते होंगे, ये उसी के मालिक हैं। राहुल बजाज आजकल सुर्खियों में है। अब उन्होंने सीधे तौर पे एक बात कह दी है, जिस बात को लेकर के देश के अधिकांश लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे। आपको बता दें कि राहुल बजाज की अंतरात्मा की आवाज़ है, जैसा कि उन्होंने कहा है। 2001 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये महाराष्ट्र से आते हैं और वर्ष 1938 में इनका जन्म हुआ। राज्यसभा के सदस्य हैं और देश के दिग्गज दोपहिया वाहन कंपनी के मालिक यानी चेयरमैन हैं। इनका जन्म आपको जैसा कि हमने बताया कि 1938 में हुआ था। अपने संबोधन के दौरान आपको बता दें कि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक कार्यक्रम से, जिस कार्यक्रम में कई दिग्गज जुटे हुए थे और केंद्र सरकार में यानी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में थे, रेल मंत्री भी उस बैठक में थे और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 5.5 बिलियन के वो मालिक हैं और उनके तीन बच्चे हैं। बताया ये जा रहा है कि राहुल बजाज ने एक बड़ा जोखिम मोल लिया है, जिसकी हिम्मत शायद किसी ने नहीं की थी। अमित शाह से उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि यह देश डर के साए में जी रहा है। डर के माहौल पर बहुत हानिकारक सवाल उन्होंने पूछा है। कोई उद्योगपति इस पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। यूपीए में तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे यूपीए सरकार में जब हम आवाज़ उठाते थे तो हमारी आवाज़ सुनी जाती थी, पर ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया है कि लोग आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोई उद्योगपति बोलेगा नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। यूपीए में तो हम किसी को भी गाली देते थे, लेकिन यहाँ तो लोग मुझे कह रहे हैं चढ़ जा बेटा सूली पर। देश के जाने माने उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा है कि देश में इस वक्त खौफ का माहौल है। आपको याद होगा कि भारत लाइव लगातार लोगों के बातचीत के आधार पर इस बात को उठाता रहा है। लोग डरे सहमे हैं। लोकतंत्र में जो कि भारत का संविधान कहता है कि आप मुखर होकर के अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, उसके बावजूद भी लोगों की चुप्पी निश्चित रूप से ये बताती है कि खौफ का माहौल है, और उसी को लेकर के राहुल बजाज ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं क्योंकि लोगों में ये यकीन नहीं है कि उनकी आलोचना को सरकार में सराहा जाएगा। उद्योगपति राहुल बजाज जब अपनी बातें कह रहे थे तो उनके ठीक सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में शिरकत कर रहे थे और उसी दौरान ये घटना और वाद विवाद शुरू हुआ। कार्यक्रम में भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के भी बातें हुई। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने का मामला भी उठा। राहुल बजाज ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को पहले तो टिकट दिया गया, फिर जब वो चुनाव जीतकर आई तो उन्हें डिफेंस कमेटी में लिया गया। ये माहौल जरूर हमारे मन में है, लेकिन इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं। राहुल बजाज ने सीधे तौर पर कहा कि उनका जन्म आज़ादी के समय हुआ था और उनके नाम को नेहरू ने रखा था। उन्होंने इस बात पर चुटकी लेते हुए भी गृह मंत्री की तरफ इशारा किया और कहा कि शायद आपको ये नाम भी अच्छा नहीं लगे। राहुल बजाज ने
सीधे तौर पे कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम खुले रूप से आपकी आलोचना करें। विश्वास नहीं है कि आप इसकी सराहना करेंगे, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, पर मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल बजाज की शंकाओं पर गृह मंत्री अमित शाह ने उसी मंच से जवाब भी दिया। अमित शाह ने कहा कि इस बात को खारिज करता हूं कि डर का माहौल है। उन्होंने कहा किसी को भी किसी के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया में नरेंद्र मोदी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल पैदा हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और यदि इसकी आलोचना होती है और इस आलोचना में दम है तो हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर मामले पर भी अपना जवाब दिया और कहा कि चाहे कोई भी हो, उसे देश और देश के महापुरुषों का अपमान करने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर के बयान की कड़ी आलोचना करती है। अमित शाह ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सफाई दे चुके हैं, पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अमित शाह ने कहा न तो सरकार और न ही पार्टी ऐसे किसी टिप्पणी पर समर्थन करती है। हम लोग पूरी शक्ति से इस बयान की आलोचना करते हैं। इसके साथ ही जब बात कश्मीर की आई तो अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि मैं देश के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो एक बार अभी वर्तमान कश्मीर का भ्रमण कर लें, वहां जाकर देखें कि स्थितियां कितनी बदली हैं और लोग कितना खुश हैं। खैर, इन सब बातों के बीच एक बात तो निश्चित है कि किसी ने भी हिम्मत तो की। जायज नाजायज ये जानना सरकार का काम है और फिर जनता जनार्दन का काम है। लोकतंत्र है, या तो सरकार या फिर जनता, यही दो इसके मुख्य बिंदु हैं। पर अगर राहुल बजाज ने आवाज़ उठाई है तो ये आवाज़ सिर्फ राहुल बजाज की नहीं है, उन बहुत सारे उद्योगपतियों की है, इस देश के 135 करोड़ लोगों की है, जो कि सरकार के सामने उठाना चाहिए। आपको याद होगा कि देश के कई महापुरुषों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को अपना हथियार बनाकर और उसका प्रयोग जरूर करें, खास करके सरकार पर। एक और स्लोगन था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। तात्पर्य यह कि लोकतंत्र में आप आवाज़ जरूर बुलंद करें और आपकी आवाज़ उस सदन तक जानी चाहिए जिसे चुन करके आपने इस देश का बागडोर सौंपा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। हम प्रयास करते हैं कि आपको हर उस घटना, स्थिति, हेतु और देश में और राज्य में चल रही घटनाओं से सीधे सीधे जोड़ें। हमारा एक प्रयास था और इस प्रयास में हम कितने सफल हो रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। भारत लाइव आपके लिए है और आपसे सरोकार रखने वाले हर बिंदु को उठाता है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।